अस्सलामु अलैकुम, गपशप विद शाइस्ता में आज हम एक ऐसी एक्टर से मिलने वाले हैं जो टीवी के उस दौर में आई हैं जब हर रोज दर्जन भर नए फेसेस आते हैं। रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि कोई एक्टर 3-4-5 ड्रामों में अपना अच्छा इम्पैक्ट ना बना ले, लेकिन ये एक ऐसी एक्टर हैं जिन्होंने पहले ड्रामे से ही लोगों के जहनों में समा भी गई और एकदम से हमने नोटिस किया। हम बात करेंगे आज बहुत प्यारी सी छोटी सी किंजा हाशमी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब इतने प्यारे चेहरे के साथ तुम मुझे इतने प्यार से पूछोगी तो बंदा जितना भी खराब हो अच्छा हो ही जाना है। क्या हाल चाल है किंजा आपके? बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो क्या चीज है तुम्हारे पास, वो क्या जादू है जिसकी वजह से तुमने इतनी जल्दी लोगों के दिलों में घर कर लिया और पहले ड्रामे से इतना पावरफुल रोल के साथ अच्छा इम्पैक्ट डाला? चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं है, बस मैंने एक प्ले किया था मोर महल, और उस प्ले में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था जो लोग मुझे सिखा रहे थे। 10 दिन की वर्कशॉप की गई थी, सरमद खूसर थे उसमें जो हमें डायरेक्शन दे रहे थे और साथ साथ हमारे टीचर भी थे। हमारी उर्दू की क्लासेस होती थी उसमें और एक्टिंग की क्लासेस भी देते थे वो उसमें, और नादिया अफगान जो हैं वो हमारे साथ थी। तो एक दफ़ा वहाँ पे अचानक से कुछ ना इम्प्रूव करवाया जाता था कि आपको बस पर्ची मिली और आपने जो कैरेक्टर दो लिखे हैं एक आप बन जाएंगे और एक आपके साथ जो टीम में वो बन जाएगा। पहली दफ़ा मिली मैं ब्लैंक हो गई, मुझे तो आता ही नहीं था। दूसरी दफ़ा मिली फिर ब्लैंक हो गई। तीसरी दफ़ा में उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है इसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम वैसे भी सबसे घुल मिल नहीं रही हो कास्ट के साथ, तो तुम्हें हम एक सज़ा देते हैं, और वो सज़ा ये है कि तुमने हमें आके 3 गानों पे डांस करके दिखाना कल। एंड आई वाज लाइक कि हेलो, मैं नहीं कर सकती हूँ डांस। मैंने कहा नहीं, और पीछे से एक आवाज़ आती है, किंजा तुम एक्टर हो, तुम्हें जो कहा जाएगा तुम्हें करना है। मैंने मुड़ के देखा तो वो नादिया आपा थी, और जब मैंने उनकी ये बात सुनी, मैं अगले दिन आई, खैर नहीं करवाया उन्होंने, लेकिन मैं सारा दिन डरती रही। मैंने कहा नहीं, अगर कल जाके मैं उनके साथ घुली मिली नहीं और मैंने नहीं किया तो मुझे करना पड़ेगा। जब मैं नेक्स्ट डे आई और वही वाला स्टार्ट हुआ, जो चीज़ दी कर दी, और मेरे दिमाग में ये था कि बस मैं एक्टर हूँ और मुझे ये कर, जो ये प्रेशर टैक्टिक्स तुम्हारे साथ खेली हुई ना उसने काम कर दिया। और वही अब मैं कोई भी कैरेक्टर मुझे मिलता है, अगर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बस मुझे वो नादिया आपा की एक आवाज मेरी ओवरलैप होती है कि तुम एक्टर हो, तुम्हें जो कहा जाएगा तुम्हें करना है। तो मैं अपने आप में से निकल कर, वैसे अगर आपने मुझे देखा होगा कि मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, बैठी हूँ, लेकिन जब कोई स्क्रिप्ट आता है, कैरेक्टर अगर चुलबुला है, तो मैं अचानक से अपने अंदर से निकल के बस मैं कैरेक्टर बन जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बस मैं उस कैरेक्टर में चली जाती हूँ कि बस मैं यही हूँ और मुझे यही प्ले करना है। अच्छे से तुम मजेदार बातें कर रही हो, तुम्हें तो बड़ी एनर्जी मुझे लग रही है। 16 साल की उम्र में जब लड़कियां ब्रश लेके मेकअप करना सीख रही होती हैं, ट्यूटोरियल्स देख रही होती हैं, तुम कैसे सिर्फ एक्टिंग के लिए तुमने सोचा मैंने एक्टिंग करनी है, और फिर सरमद खूसर जैसा नाम है, नादिया अफगान, तो ये सब कैसे हुआ था? अच्छा, ये कुछ सोचा नहीं था कि मेरा प्लान था, मुझे तो पता ही नहीं था कि डायरेक्टर्स में कौन सा नाम है अच्छा, ना एक्टर्स का पता था कि कौन से एक्टर्स अच्छे हैं जिनके साथ मुझे काम करना चाहिए। मुझे पहला प्ले मिला शर्मीना पीरजादा और फैसल रहमान जी के साथ, और मुझे नहीं मालूम था कि वो कितने बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। ड्रामे तो देखती होगी ना पाकिस्तान टीवी? ड्रामे भी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे सिंगिंग का शौक था और मैं सिंगर्स को ज्यादा फॉलो करती थी, और ड्रामे में वैसे ही नहीं देखती थी। तो मतलब आवाज इतनी बुरी थी कि गाना गाने नहीं दिया किसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक रैंप वॉक कर रही थी, वहाँ पे डायरेक्टर आए हुए थे जो मेरे फर्स्ट प्ले के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे देखा और ही सेड कि आप एक ऑडिशन दे दो, और ऑडिशन के बाद हम चाहते हैं कि आप एक्टिंग करो। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे एक्टिंग तो आती नहीं, तो आप मुझसे OST करवाएं ना अपने ड्रामे का। तो कहते नहीं नहीं, हमें तो लड़की चाहिए और कोई यंग लड़की चाहिए, तो आप कल आ जाओ और आके ऑडिशन दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, सोच के मैं ये गई थी कि मैं जाऊंगी और एक्टिंग तो मुझे आती नहीं है, जो कि ये मुझे कहेंगे कि तुम तो नहीं कर सकती हो, तो मैं जाके इनको किसी तरह कह दूंगी कि आप मुझसे OST करवा लें अपना। तो जब मैं गई और उन्होंने कोई एक्टिंग कर दी, उन्होंने करवाई, और कुछ जेस्टर्स ऐसे थे जो उनको अच्छे लगे, उन्होंने सारे मेरे डायलॉग्स निकाल के वो जेस्टर्स निकाले और जाके दिखाए, और उन्होंने कहा बस ठीक है यही डाल।
लेकिन ये वो कहते हैं ना कि जिस दिन आप फर्स्ट डे कॉलेज का होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, सीनियर सारे बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? नहीं, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. और जैसे समीना पीर ज़्यादा थी, वो तो बहुत ज़्यादा हमें सिखाती थी ऑन सेट. और फैसल रहमान जी भी ऐसे थे, तो किसी ने कुछ ऐसा नहीं. ईजी था तुम्हारे लिए? ईजी था. और बल्कि ये था कि जब मेरा पहला दिन था, उस्मान पीर ज़्यादा भी थे उसमें, तो मेरा उनके साथ पहला डे था और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं कैसे बोलूँगी. और लाइन्स बहुत ज़्यादा थी, तो जब मैंने बोलना शुरू की तो दरमियान में मैं भूल गई. जब भूली तो उन्होंने कहा कि आपने याद नहीं करवाया इसे. तो मेरी पूरी टीम ने क्लैप किया और कहा कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम करोगी, कर सकती हो. तो और जब मैंने सबकी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ, और फिर मैंने किया. जबरदस्त जबरदस्त. मगर हमने सुना है कि इस पूरे 6 साल के करियर में तुम्हारा दिल नहीं चाहता कोई कि तुम संडे ऑफ करो, और तुम्हारा मतलब तुम सुबह से रात तक तुमसे एक्टिंग करा लो, तुम्हें खुशी होती है, तुम्हारे सीन्स खत्म हो जाते हैं, तुम फिर भी सेट पे बैठी रहती हो, तुम क्या हो? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी भी सबको कहती हूँ कि मुझे बुढ़ापे तक यही काम करना है. मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी. हाँ, तो अभी जैसे मेरे साथ मेरे साथ अस्मा अब्बास जी काम करती हैं, सब काम करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जो कैरेक्टर्स ये प्ले करते हैं, जब मैं इनकी एज में आ जाऊंगी तो मैं इसी तरह इनको कॉपी करूंगी और मैं इस तरह से करूंगी. तो मैं अभी से सोचती हूँ, और मुझे थकन नहीं होती, मुझे बल्कि खुशी होती है. और मैं ये सोचती हूँ, पिछले दिनों मैं बीमार हुई थी तो तब मैंने कुछ ऑफ लिए थे, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं आता कि मैंने जब से काम शुरू किया है कि मैंने अपने किसी पर्सनल काम के लिए ऑफ किया हो. बल्कि मैं फ़ोन कर करके कह रही होती हूँ कि मेरी शूट कर ले, मैं घर पे बैठी हुई हूँ, मैं क्या करूँगी घर पे बैठ के शूट. और जैसे कि कल संडे है और कल भी मैं शूट कर रही हूँ. अच्छा, तो मतलब दिल भी नहीं चाहता. आप तुम्हारी एज के बच्चे जो होते हैं वो तो कहते हैं यार ब्रेक लेना है, ठीक है अब हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, और 20 दिन तक हमें कोई, मतलब इस तरह भी होता है, बच्चे तो पढ़ाई से भी थक जाते हैं. तो तुम काम करते करते नहीं थकती, या तुम्हारी इंटरेस्ट का काम है इसलिए? मेरे इंटरेस्ट का काम है इसलिए मैं नहीं थकती. लेकिन 6 साल तो बड़ा अरसा होता है. होता है, लेकिन मैं काफी इंजॉय करती हूँ अपने काम को. मैं ये काम समझ के तो करती नहीं हूँ. जब मैं कोई कैरेक्टर कर रही होती हूँ तो मैं बस ये देख रही होती हूँ कि इसके सीन्स इतने हो जाएंगे तो ये कब खत्म होगा, और कब मैं इसको ऑन एयर देखूंगी और मुझे खुशी होगी कि मैंने ये काम किया. अच्छा, वो जो तुम्हारी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो एक डांस वाली वीडियो, एक फ्रेंड की शादी में तुमने जब डांस किया था, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखा, बड़ी बड़ी कोई जबरदस्त ये तो परफॉर्मेंस है. तो उसके बाद तुम्हें कोई फिल्म की ऑफर आई, या ये हुआ कि भाई ये आइटम सॉन्ग है, शान के साथ है, आप कर लें? अच्छा, वो तो पहले भी आती थी. हाँ. उसके बाद भी आई, लेकिन वो सॉन्ग देख के किसी ने कोई ऑफर नहीं की. बल्कि जब मैंने कर लिया तो मुझे पता नहीं था कि वो इतना वायरल हो जाएगा, क्योंकि हाँ. मैंने तो शान बेग इज़ लाइक माई ब्रदर, तो मैंने उसके बहन होने के नाते मैंने वो सारा किया. लेकिन जब वो वायरल हो गया तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चली गई थी कि यार ये क्या हो गया, मैंने कभी किया नहीं, और अब जब किया तो इतना ज़्यादा वायरल हो गया. हाँ. कुछ लोगों ने नापसंद भी किया कि क्यों किया किंजा ने डांस, क्यों किया. हाँ. तो मुझे, क्योंकि मैं फैंस को भी बहुत पसंद करती हूँ अपने, मुझे बहुत प्यार है उन लोगों से भी, तो मुझे उनकी भी फिक्र होती है कि यार इनको बुरा नहीं लगे कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ उनके अगेंस्ट. लेकिन फिर वो मैंने कहा कि नहीं, वो मेरा भाई है, दोस्त है. तो सोशल मीडिया कितना देखती रहती है? खुद अपने इंस्टा चलाती हो, खुद देखती हो, या कोई साइड में कोई और नहीं ऑपरेट कर रहा होता है? हाँ, पीआर भी करती है, मैं भी चलाती हूँ. और अच्छा. वैसे जब मैं फारिग होती हूँ तो सिर्फ सोशल मीडिया होता है और मैं होती हूँ. अच्छा. नहीं तो अम्मा कहाँ होती हैं? अम्मा भी पास होती हैं. तो अम्मा को कितना टाइम देती हो? अम्मा को टाइम मुझे नहीं लगता कि मैं देती हूँ, वो मुझसे छीनती हैं टाइम. क्योंकि मैं सारा टाइम तो शूट पे गुजरता है मेरा. लेकिन मुझे दिन में 10 फोन आते हैं उनके. और अगर एक भी मिस हो जाए और मैं देखूं कि मम्मा का फोन आया हुआ था और मैंने देखा नहीं. हाँ. तो वो तो नहीं होती, लेकिन मेरी जान निकल जाती है कि अब मैं डांट सुनूंगी कि तुमने मेरा फोन. ज्यादा डर किससे लगता है, मतलब अब्बा का फोन मिस हो जाए या अम्मा का फोन मिस हो जाए? अम्मा का मिस हो जाए. ये लड़कियां तो अब्बा को तो इजी ले लेती है ना, बहुत. अब्बा बहुत इजी है, और बल्कि वो तो कॉल करते हैं ना, तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा 5 मिनट कॉल पे बात करते हैं, तो उसके बाद उनको एहसास होता है कि नहीं ये बिजी होगी, तो मैं अब इसको कह देता हूँ कि चलो तुम अब काम करो, तो बस बेटा मुझे बता देना अब. हाँ. तो वो इस तरह से. मम्मा ये है कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तब भी वो कहेंगे कि बात करो, फोन क्यों बंद कर रही हो, अभी मैंने फोन बंद किया जो तुम फोन बंद कर रहे हो. ये अम्मा होती है ना. अच्छा, ये लेकिन इस एज में, तुम लोगों की एज में, अम्मा को ये भी बड़ा एहसास होता है कि यार काम कर रही है, मॉडलिंग और इस तरह ड्रामा कर रही है, तो नहीं नहीं ये वाली फील्ड के साथ साथ इसको घर का बड़ा सब चीज आनी चाहिए,
तो जब घर पे होती हो तो ये नहीं नहीं तुम्हें सुघड़ भी होना चाहिए, किचन भी आना चाहिए, ये पकाना भी आना चाहिए, ये कुछ है अम्मा की डिमांड। मेरी अम्मा जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, उनसे ज्यादा प्यार मुझे कोई दुनिया में कर नहीं सकता। और मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं उनको बताती नहीं हूँ कि फिर बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करे ना कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तो मैं बताती नहीं हूँ कि आप बात नहीं करती तो मेरा दिल बंद हो जाता है। मैं इस तरह की बातें नहीं बताती उन्हें कि अगर इनको पता चल गया तो फिर ज्यादा ब्लैकमेलिंग होगी, कि इनको पता चल जाए कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो मैं चुप चुप रहती हूँ, मुझे मैं ज्यादा नहीं बोलती कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन वो मुझे बताती हैं कि मुझे उनको मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है, और जो कि है भी, जो कि इकलौती औलाद, मतलब हर औलाद से होता है। हाँ। लेकिन जब एक औलाद हो ना तो आप बड़े पजेसिव होते हैं इसके बारे में। मैं जब भी कोई काम करने लगती हूँ पहले तो सुनाती तो जरूर है वो कि तुम्हें काम नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, लेकिन अगर मैं कभी चढ़ के कहूँ ना अच्छा भाई मैं कर देती हूँ तो उठने नहीं देती, एकदम से उठ के पकड़ लेंगी, नहीं 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 तुम्हें तो आता ही नहीं, तुम कैसे करोगी, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं आता। तो शी इज लाइक दैट कि काम भी नहीं करने देती, लेकिन एक्चुअली जाती है ना तुम आराम करो एंजॉय करो घर में होना। हाँ। बेटी के ऊपर, बेटी को कुछ काम ना करना पड़े, वो अंदर से अम्मा वाली बात होती है ना ये। हाँ। अच्छा अब्बा से कितना क्लोज हो, अब्बा से कितना इमोशनल होती हो कभी? अच्छा अब्बा से या अब्बा को भी नहीं बताती कि अब्बा मुझे आपसे प्यार है, बिल्कुल नहीं बोलना? नहीं, हाँ मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मुझे लगता है कि बताना नहीं चाहिए, जिन लोगों से आपको प्यार हो उनको नहीं बताना चाहिए। अच्छा ये थ्योरी आपकी? मुझे हाँ मुझे लगता है कि अगर आप बता दो तो फिर उनको पता चल जाता है, फिर हाँ। आप फंस जाते हो। तो मैं बताती नहीं हूँ लेकिन वो लोग फील कर लेते होंगे कि मुझे उनसे बहुत प्यार। आप तो स्कूल में ही होंगी 16 इयर्स पे? मैंने कॉलेज में खत्म किया था, कॉलेज स्टार्ट किया था, और जब मैं मोर महल कर रही थी मेरा थर्ड प्रोजेक्ट था वो, और तब मैं सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे रही थी और मैं सेट पे जाके पढ़ती थी और सब मुझे साथ पढ़ाते भी थे, कभी कभी नादिया आपको पूछती थी कि बताओ सुनाओ जरा तुम्हें आता है कि नहीं आता। तो इस तरह से मैंने साथ साथ पढ़ाई भी की और काम भी किया। अच्छा लेकिन कभी ये होता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं आज ये बन रही होती, या ये मैं ये वाला प्रोफेशन चूज करती और इसकी फिर बकायदा पूरी उस तरह से जाती? ये नहीं तुम्हें आना ही, तुमने कहा नहीं यही सबसे सूटेबल चीज मेरे लिए थी, वैसे या ये कोई आगे प्लान है कि आगे ये करना है? वैसे मैं जब नहीं थी तब मैं बहुत कुछ सोचती थी, बचपन से ही सोचती थी कि बस मुझे जल्दी से कुछ काम करना है, कुछ भी करना है लेकिन करना है। तो वो काफी दफा मेरे मामू जो है वो डॉक्टर है तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल भी चली जाती थी कि मैं आपकी फाइल्स उठाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं पेशेंट्स को देखूंगी तो मुझे आप लेके चलें, तो वो मैं एक हफ्ता असिस्ट कर दूंगी, एक हफ्ता उनके साथ भी रही, फिर मुझे मैं बोर हो गई उस चीज से, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं, इधर नहीं जा सकती मैं। फिर मेरे मामू के फ्रेंड हैं वो लॉयर हैं तो उनको भी मैंने बोला कि मैं आपकी किताबें शौक था तो मैं उनको भी कहती थी, और वो मुझे कहते थे कि हाँ जैसे तुम मैट्रिक कर लोगी तो तुम मेरे साथ आना करना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये वो। तो मुझे ये होता था कि हाँ मैं बस कुछ काम करूँ, मैं पढ़ाई के अलावा कुछ और कर लो। अच्छा ये बताओ ना कि पढ़ाई से कोई इतनी अच्छा पढ़ाई से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये थी कि मुझे पता होता था मैं वो वाला स्टूडेंट हूँ जिसको पता है कि अच्छा 20 नंबर से पास हो जाओगी बस इतना ही पढ़ना, तो मैं ज्यादा एफर्ट नहीं करती थी। और अभी भी ये कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं 11 रुपए के लिए एफर्ट नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ बस भाई ठीक है इतने तो, लेकिन तो वो पैसों में भी इतना नहीं है, लेकिन पढ़ाई में भी ये था कि ज्यादा नंबर नहीं बस ठीक है इतने 20 में पास हो जाऊंगी, बस पास होना जरूरी है, पास हो जाओ बस। अच्छा अच्छा कुछ डिफरेंस ये आया शोबिज में आने के बाद कि पहले अम्मा के पास लोग आके कहते थे भाई किंजा आगे हमारी होगी अब ला ला ला, लेकिन अब जब ड्रामास में आ गई और मशहूर हो गई तो पता चले एक रिश्तों की लाइन लगी हुई है किंजा के घर पे? अच्छा ऐसा ये कि मम्मा से तो ज्यादातर लोग नहीं कहते क्योंकि वो इतना डायरेक्ट आपसे कहते हैं? हाँ, तो मुझसे कहते हैं ज्यादातर। okay. और जब मुझसे कहते हैं तो मैं तो आगे बात पहुंचाती नहीं हूँ, मैं वहीं पे बस कर देती हूँ कि नहीं बिल्कुल भी नहीं ये नहीं हो सकता अभी। मतलब लड़कों की अम्माएं आके कह देती हैं कि लड़के कह देते हैं? अम्माएं ज्यादातर मुझे मिलती हैं जो मुझे कह देती हैं, जैसे कि मैं कनाडा गई तो वहाँ पे फैमिली में डिनर्स थे तो वहाँ पे एक आंटी मेरे पीछे पड़ गई तो मैं उनसे छुपती फिर रही थी, मैंने कहा ये तो मेरे पीछे, वो अपने बेटे की पिक्चर ले लेके पीछे पीछे थी कि देखो मेरा बेटा ऐसा है ये देखो। तो मैंने और मैंने कहा कितनी एज है, कहती 23 ना, तो मैंने कहा आप इसको अभी पढ़ाएं, अभी तो इसके पढ़ने के टाइम है, अभी तो ये कुछ बन जाए फिर उसके बाद सोचेगा।
तो नहीं तो मतलब आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा होना चाहिए जो आपका पार्टनर होना चाहिए, तो उसमें आपकी एज में डिफरेंस होना चाहिए? आई एम 22 तो हाँ. मुझे लगता है कि 6-7 साल तो बड़ा होना चाहिए. उसकी कोई खास रीजन आपके पेरेंट्स भी इतने एज डिफरेंस के साथ? नहीं मुझे जैसे आई एम 22 तो 23 आपको लगता है इमैच्योर एज है ये? मुझे मेरे छोटे भाई लगते हैं. है अच्छा ओके. तो मैं अगर मेरे साथ कोई, आप सब लोग नाउमीद हो जाएं इतने एज ग्रुप वाले तो अगर मेरे साथ कोई काम भी कर रहा है तो मैं उसको छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ कि तुम छोटे हो मुझसे. तो हालांकि कई दफा मुझे, जैसे तबरेज है एक मेरा भाई है मुगोला, तो वो मुझसे बड़ा है. हाँ. तो मैं उसको छोटा कहती हूँ तो वो मुझे कहता है कि अबे तू छोटी है मुझसे. तो मैं कहती हूँ नहीं तुम छोटे हो मैं बड़ी हूँ. तो मुझे लगता है कि वो मुझसे छोटा है. तो घर में ऐसे कभी ये वाली अंदर वाली जो अभी आपने कहा तुम मुझसे छोटे हो, तो अम्मा से अब्बा से भी कभी ऐसा हो जाता है? अच्छा अम्मा थोड़ी बन जाती हैं आप? नहीं मम्मा के सामने तो बिल्कुल नहीं. सीधी सी बात है कि मैं मम्मा से बहुत ज्यादा डरती हूँ. उन्होंने मुझे इतना फ्री नहीं किया अपने साथ. अच्छा हाँ मेरी अम्मी ने मुझे अपने साथ बिल्कुल फ्री नहीं किया हुआ. अगर कभी डालती जाके वापस घर से तो डालती हूँ इतना. हाँ. तो है लेकिन ये कि मैं मजाक करूँ तो ना, कभी कभी मैं चढ़ाने के लिए ना उनको, तो मैं कहती हूँ उनका नाम लेके ना उनको छेड़ देती हूँ. हाँ. मम्मा नहीं बोलती तो हाँ. वो एकदम से लुकाती है कि मम्मा बोलो. कहती हूँ क्यों बोलो मेरी मर्जी. फिर मैं हंसती हूँ अपने उस पर लेकिन उनको बिल्कुल भी ये फनी नहीं लगता, वो गुस्से में आ जाती है. मुझे लगता है ये वो वाली बच्ची है ना कि अभी ये जो चेक आया है तो मामा इसका क्या करना है, ऐसी भी हो? हाँ पहले तो बहुत ज्यादा ऐसी थी. हाँ. लेकिन अब वो भी मुझे कभी कुछ नहीं कहती है इस तरह की बातों पे, तो उनके लिए भी इजी है कि अच्छा आया तो क्या करूँ. अच्छा तो भाई ये मुझे बता दें जो अब मैं टिप्स आपसे पूछूंगी, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने कहा इतने खूबसूरत बाल, कोई एक्सटेंशंस नहीं है, इन बालों का राज क्या है, ये इतनी अच्छी स्किन का राज क्या है? इस एज में तो बहुत सारे पिंपल्स निकल रहे होते हैं, एक्ने से मुंह भरा हुआ होता है. अच्छा कुछ मेरी ना अपने ही माइंड की चीजें हैं, मैं खुद से सोचती हूँ कि अच्छा ये करने से खराब होता है और ये करने से ठीक होता है. मैं अपने आप को खुद ही क्योर करती रहती हूँ. बालों के लिहाज से मैं एक तारे मेरे का तेल मिलता है जो कोई नहीं लगाएगा क्योंकि उसके बाद बहुत बुरी स्मेल आती है, लेकिन अगर आप खुशबू वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करो तो बिल्कुल नहीं आती. लेकिन अब तो मैं भी एक महीना हो गया कि यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने पहले वो बहुत यूज़ किया है, तारे मीरे का तेल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है कि okay. उसके बाद अभी तक मेरे बाल जो है वो एक्सटेंशन की तो बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं है. अच्छा और ये फ्लॉलेस शाइनी स्किन का राज क्या है? इसका राज ये कि फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे पोर्स खुल जाते हैं फिर आपको एक्ने होता है. तो मैंने कभी यूज नहीं किया. मैं सिंपल कोई भी साबुन होता है उससे फेस वॉश कर लेती हूँ. तो ये अच्छा, मेरी ही कोई ये वो चीज है. और सालों बाद इस एज में सालों बाद किसी ऐसी लड़की से मिल रही हूँ जो कह रही है मैं फेस वॉश यूज नहीं करती साबुन यूज करती हूँ. मैं कभी बचपन से यूज नहीं किया, हालांकि अगर मैं अब कभी होता तो बेसिकली वो भी वही है. अगर मैं कभी लगा लूँ तो मुझे ना रैश होना शुरू हो जाते हैं, मुझे सूट भी नहीं करता वो. लेकिन ये कि एक्ने नहीं होता मेरे फेस पे. मतलब कोई भी साबुन? हाँ कोई भी साबुन. आप इतनी केयरलेस हैं मीडिया में होने के बावजूद भी? हाँ कि कोई भी साबुन से मैं फेस जो है वो वॉश कर लेती हूँ और मैं लोशन लगा के रखती हूँ हमेशा, तो उससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है और मुझे लगता है कि सबको यूज़ करना चाहिए. तो यही दो टिप्स हैं और कुछ नहीं करती मैं. ओके तीन मैं एक्ट्रेस के नाम ले रही हूँ आपके सामने. हाँ ओके मायरा खान, महविश हयात और एमन. आप अगर अपना कोर्स तय करना चाहें कि मुझे किसके नक्शे कदम पे चलना है और मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं तो ऑब्वियसली जिटो तो नहीं बन सकते, लेकिन ये कि ये मैं करती हूँ कि मैं आज से 10 साल बाद इधर हूँ, तो इन तीनों में से कौन सा नाम होगा? वो वैसे मुझे इन तीनों की हिस्ट्रीज इतनी पता नहीं है कि वो कैसे पहुँची है नक्शे कदम पे, तभी इंसान मतलब एक मायरा खान एक नाम है, देन महविश हयात एक बड़ा नाम है. तो महविश हयात मेरी फेवरेट है. अच्छा हाँ महविश इज माय फेवरेट. ओके और अगर आपको इनमें से ये हो के मायरा, महविश और एमन, इनमें से किसी को आपकी बड़ी बहन का रोल प्ले करना है तो आप किसको चूज करेंगे? महविश. महविश हाँ ओके. एमन तो बिल्कुल नहीं लगती क्योंकि वो मेरे से एक साल छोटी है. हाँ तो वो मेरी बड़ी बहन कैसे बन सकती है? सही. अच्छा मुझे बताओ इन तीनों में से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फैशन सेंस सबसे अच्छी किसकी लगती है? मायरा. और महविश की? उनकी भी अच्छी है
लेकिन ज्यादा मुझे लगता है कि माहिरा खान की अच्छी है हाँ। और वो हमेशा अच्छी लगती हैं, हर लिबास अच्छा। में अच्छी लगती हैं। अहदरज अमीर या मुनीब भट्ट, क्यूट क्यूटनेस में नंबर करें, फर्स्ट कौन आएगा सेकंड कौन आएगा? अहदरज अमीर से मैं कभी मिली नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से मुनीब भट्ट। और अहदरज अमीर और मुनीब भट्ट में, अब तो मैंने क्यूटनेस पूछा था, रोल आपको ऑफर होगा और डायरेक्टर कहेगा भाई आप पिक करें हीरो, मतलब हीरो पिक करो हाँ, तो मुनीब के साथ काम के लिए आहद के साथ। गुड इंटेलिजेंट जवाब। ओके, आपको एक ड्रामा मिला है और उसमें आपके फादर का रोल करना है किसी ने, एक में आपके बड़े भाई का रोल करना है किसी ने, और एक में आपके हीरो का रोल करना है, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा हीरो, बाप फैसल कुरैशी, बाप फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद, भाई हुमायूं सईद, हाँ सही है, ठीक है। हुमायूं, पहली दफा किसी ने आपको भाई का खिताब दे दिया है, सही है, खैर है। अच्छा, वोट दिया आपने पीटीआई को? जी, खुलम खुला। मैंने नहीं, मेरी फैमिली ने, पूरी फैमिली हाँ। ने। सो व्हाट डू, अब आपको क्या लगता है सही किया था? मुझे लगता है कि सही भी किया था और नहीं भी किया था, लेकिन अगर सोचा जाए तो इमरान खान वैसे काम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि काफी साल लगे हैं हमारे मुल्क को बर्बाद होने में, तो अब कुछ साल तो लगेंगे आबाद होने में, तो आई थिंक कुछ तो कर रहे हैं वो, और इंशाल्लाह वी शुड बी पेशेंट। हाँ, सबर की जरूरत है, बहुत सबर की जरूरत। ठीक है, थैंक यू सो मच किंजा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका पैशन एनर्जी देखकर। थैंक यू सो मच, मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी इस एज की जो ये कहती हो संडे को भी मुझसे काम करा लो, हर वक्त काम कराए जाओ। थैंक यू सो मच, ये हैबिट की तरफ से आपके लिए, और हैबिट का बहुत शुक्रिया अपने हमारे इस स्टूडियो के लिए भी, और किंजा बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ किंजा हाशमी और आप लोग देख रहे हैं शाइस्ता लोधी का यूट्यूब चैनल, जिसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।